वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको कि फॉलो करके आपका सर्वाइवल गर्ल्स कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में आसान हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी आपने थंबनेल और टाइटल को पढ़ लिया होगा। आखिर क्या रियलिटी है गर्ल्स कॉलेज की, आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली इस वीडियो से दो बच्चों की सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है, एक तो वो बच्चे जिनको कि गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेने से डर लग रहा है, और दूसरे वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने क्लियरली कह दिया है कि एडमिशन लेना है तो गर्ल्स कॉलेज में ही लेना है। ठीक है, तो सारा सॉल्यूशन सारा आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आती है बात सेफ्टी की कि गर्ल्स कॉलेज सेफ होता है और कोएड कॉलेज सेफ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेफ की अगर बात करूं तो गर्ल्स कॉलेज ऑब्वियसली सेफ होता है। वहां पे आप क्या पहन के जा रहे हो, कैसे बाल बना के जा रहे हो, सब चीज में आप कंफर्टेबल रहोगे। क्लास में नाच रहे हो, गा रहे हो, ऑब्वियसली टीचर के एब्सेंस में सब चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे एज कम्पेयर टू कोएड कॉलेज। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोएड कॉलेज सेफ नहीं होता है, होता है सेफ, बट गर्ल्स कॉलेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ये मैं मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स के केसेस की बात कर रही हूँ। अब अपन बात करते हैं टॉक्सिसिटी होती है, पॉलिटिक्स होता है गर्ल्स कॉलेज में। अगर आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपके पैर खींचे जाएंगे, आपसे बात नहीं किया जाएगा, आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा और आपको हेल्प कोई नहीं करेगा गर्ल्स कॉलेज में। एंड एवरीथिंग इज बुलशिट। ठीक है, क्लियर वर्ड में मैं बोल रही हूँ, बुलशिट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अगर टॉप कर रहे हो तो आपको लोग पकड़ पकड़ के टांग खींचेंगे, बुली करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। अगर बुली ही की बात हो रही है या टॉक्सिसिटी की बात हो रही है तो वो कोएड कॉलेज में भी होता है। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में नहीं होता है। तो जितना कोएड कॉलेज में होता होगा उतना ही गर्ल्स कॉलेज में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं फेस किया है कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सब मेरे से टॉक्सिक बिहेवियर रख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इनफैक्ट आप ज्यादा अच्छा फील करोगे, ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और आपकी हेल्प करेंगे लोग। जितना टॉक्सिसिटी कोएड कॉलेज में होता होगा उतना ही टॉक्सिसिटी गर्ल्स कॉलेज में भी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है कि आपको लोग जीने ही नहीं देंगे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कोएड कॉलेजेस हैं जिनमें कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्ट हो, बिना लड़ाई झगड़े के खत्म नहीं होता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी गर्ल्स कॉलेज में लड़ाई झगड़ा आपको रेयरेस्ट देखने को मिलेगा, कि इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है रेयरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स, ये सब ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कॉलेज में बहुत ज्यादा होता है और कोएड कॉलेज में बिल्कुल होता ही नहीं है। तीसरी चीज आती है कि हमें कोएड कॉलेज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, तो अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप देखोगे किसी कोएड कॉलेज में तो प्रेसिडेंट होता है या फिर कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा लड़के इन्वॉल्व रहते हैं, लड़कियों से ज्यादा लड़के इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज की बात करोगे तो सारी लड़कियां ये सारी चीजें मैनेज कर रही होती है। स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी लड़की है, सारे कॉलेज को फेस्ट हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है सब लड़कियां मैनेज करती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती है। आप आगे जाओ, बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, तभी आपका कोई फायदा निकलने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें बताई है ना, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है। ना मुझे कोई टॉक्सिसिटी फेस करना पड़ा है, ना मुझे कोई बुली फेस करना पड़ा है, ना मेरी ऐसे कि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मुझे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। उतनी ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, उतना ही मुझे हेल्प मिला है। तो सारी चीजें जो नेगेटिव बातें सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के बारे में बोली जा रही है या फैलाई जा रही है, वो आप अपने दिमाग में बना लो कि अगर एक कॉलेज में टॉक्सिसिटी है तो वो गर्ल्स कॉलेज नहीं, वो दोनों कॉलेज में हो सकता है। अगर टिप्स की बात करूं तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि कॉलेज में जाओ स्टार्टिंग में तो ट्राई करो कि आप सबसे बात करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि अगर आपने अच्छे अच्छे दोस्त बना लिए ना जिससे आपकी वाइब मैच होती है तो आपका कॉलेज लाइफ सॉर्टेड है फिर। तो दोस्त बनाओ और जो भी अपॉर्चुनिटी आए ना आपके पास बस उसको ग्रैब करते रहो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से पूरे कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो आप और भी लड़कियों से बात करो गर्ल्स कॉलेज की और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कोएड कॉलेज को चूज करना है या उसके ऊपर आपको गर्ल्स कॉलेज को चूज करना है। ठीक है, पर्सनली मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको एक बेटर गर्ल्स कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे एडमिशन लो, लेकिन अगर आपको बेटर कोएड कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे एडमिशन लो। ठीक है, तो दोनों जगह सिचुएशन इक्वल इक्वल ही है, दोनों का एनवायरमेंट इक्वल इक्वल ही होता है ज्यादातर, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बेझिझक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई भी डाउट हो इसके अलावा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको ऐसे ही रियलिस्टिक वीडियो देखने को मिले और CUET के सारे अपडेट्स आप तक टाइम पे पहुंच जाएं।